Yo, what's up? Before we begin, एक जरूरी सूचना, हमने फाइनली हमारी सबसे पहली म्यूजिक वीडियो रिलीज करी है मुंह बंद कर। एंड आई नो तुम सब ने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन जितनों ने भी देखी है उन सबका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है। तो ज्यादा बेशर्मी मत दिखाओ, वीडियो में मेहनत बहुत लगी है। जैसे खुशी खुशी नक्शल देखने आते हो ना, वैसे ये भी जाके देखो फटाफट, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। महीने भर में तुम्हारी पसंद का कंटेंट डालता हूँ तो एक दिन मेरी पसंद का भी कंटेंट बनता है। हाँ, नहीं तो। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। एक जमाने में एक बहुत ही बहादुर औरत ने कहा, मेरा पति मेरा देवता है। अब बस इस लाइन को जरूरत से ज्यादा दिल पे लेते हुए जया बच्चन ने अपने देवता एके पति के लिए लिखी एक स्टोरी। तो अगर कोई पत्नी इस लॉजिक के हिसाब से अपने पति के लिए एक स्टोरी लिखे, वो भी एक मूवी की, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या क्या हो सकता है। सो अमिताभ बच्चन इन एंड एज शहंशाह, अ पोटेंशियल सुपर हीरो विच वी डू नॉट नीड बट वी डिजर्व। बकायदा दुनिया का सबसे पहला विंटर सोल्जर विद अ फेक बियर्ड, इमो हेयर स्टाइल, गॉथ कॉस्ट्यूम, बीडीएसएम फेटिश और एक बुलेट प्रूफ स्लीव, लिटरली एन एंटायर स्लीव, बिकॉज बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड वकांडा की टेक्नोलॉजी आर ओवररेटेड। ऑलराइट, बट वी ऑल कैन एग्री दैट एटलीस्ट ये गेटअप सुपरमैन से तो बेटर ही है, सो दैट्स अ विन। But the best part of all, रात होते ही he seeks out bad guys, गुस्से में सड़क पे पैदल घूमते हुए, and literally that's why they made this song। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। सही, you get their point? सोचो अगर ये हमारे एरिया में ऐसा आ जाए ना, तो बेटा कुत्ते नोच डालेंगे, बच्चे पत्थर मारेंगे, बड़े बूढ़े छुप जाएंगे बिजली काटने वाला समझ कर, पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना बेटा फांसी चढ़ा के दम लेंगे, छोड़ने के नहीं है फिर। हाँ, नहीं तो। बट देन अगेन दैट्स नॉट इट, ही इज अ थानेदार टू, बिकॉज कब तक सेम बोरिंग चीजें बनाओगे ना, मतलब कभी ईमानदार पुलिस वाला कभी विजिलांटे। बॉलीवुड को जरूरत थी एक अपग्रेड की, बिकॉज इट्स टाइम फॉर अ ट्विस्ट विद विजय श्रीवास्तव, एन ईमानदार पान एडिक्ट पुलिस वाला डिस्गाइज्ड एज अ करप्ट पुलिस वाला, जो दिन के उजाले में रिश्वत लेता है और रात होते ही रिश्वत वाले की। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज द बेस्ट जस्टिफिकेशन, मैं खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमा सुनेगा और उनका फैसला भी खुद करेगा, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। One death to society later. मैं इसकी खाल निकाल दूंगी। और बस उतना ही नहीं भाई, ही इज अ टैलेंटेड एक्टर टू, क्योंकि व्हेन ही इज विजय तो वो अकेले में भी पान खाएगा और अजीब हरकतें करेगा, क्योंकि सारी दुनिया को चूतिया बनाना जरूरी है। एंड व्हेन ही इज शहंशाह तो नो पान नो स्माइल, ओनली एटीट्यूड, ओनली गुस्सा, ओनली फैंस। आई मीन इसका काम देख के लोग इसके फैंस, नथिंग एल्स, आई मीन आई डोंट नो व्हाट एल्स डज इट मीन। सो लेट्स बिगिन द रिवेंज स्टोरी ऑफ शहंशाह एके इंस्पेक्टर विजय। It all starts with Prem Chopra, जो एक बैंक मैनेजर है जिसने घपला करके बैंक का पैसा लगाया अपने बड़ी जेके के बिजनेस में, तो ऑडिट से बचने के लिए पूरा बैंक लुटवा दिया। ओह भाई साहब, कम ऑन यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, काफी ब्रिलियंट प्लान था, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं मिस्टर आनंद श्रीवास्तव, जिनके पास आता है एक बंदी का कॉल जो बताती है कि ये सारा चुतियापा बैंक मैनेजर विद हिज विलेन बड़ी जेके ने फैलाया और सबूत हैं सारे इसके पास, तो आओ और ले जाओ। ओके, मतलब साउंड्स वेरी इजी। सो इंस्पेक्टर साहब सारा क्रेडिट और बाकी जो मिल जाए वो सब लेने के लिए अकेले पहुंच जाते हैं मिस जूली के पास, जो पकड़ाती है उसे सबूत। Yeah, for the time being only सबूत, and फिर चूतिया बना के बैग रिप्लेस भी कर देती है लगे हाथ। तो भाई साहब इंस्पेक्टर साहब इतना नूब है। और जब तक ये सारा ड्रामा चल रहा था, सीबीआई वाले दरवाजे के बाहर ही खड़े थे इसके इंतजार में, तो गेट खोलते ही Catch a bitch! But since टाइमिंग और राइमिंग का ही सारा खेल है, तो रंगे हाथ पकड़े जाने पे इंस्पेक्टर साहब को हो गई जेल। और जेल से निकलने के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वो बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ फांसी लगा लेते हैं। Yeah. Exactly. अब कोर्ट कचेरी चेंज ओआरजी के चक्करों में कौन पड़ेगा, है ना। सो कुछ साल बाद श्रीवास्तव साहब का बेटा भी बन गया इंस्पेक्टर, Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism! जो बचपन में तो काफी समझदार था, लेकिन पिताजी के बाद अब खान चाचा की संगति में खिसक गया। एंड ही इज सो ड्रामेटिक कि इसके पास अगर कोई चोरी की रिपोर्ट लिखाने आए और कल्प्रिट गलती से लड़की निकल जाए, तो साला भेस बदल के ट्रैप सेट करके उसे पकड़ने पहुंच जाता है अकेले। बैकअप की जरूरत नहीं है भाई, ना इसके बाप को थी। और इतनी मास्टर प्लानिंग के बाद भी लड़की इसको चूतिया बना गई। बट देन इसके पास भी जस्टिफिकेशन है, घर में मेरी माँ बीमार है,
उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो इंस्पेक्टर विजय को अब ये जानना है कि माँ बीमार है भी या नहीं, क्योंकि अगर बाय एनी चांस माँ बीमार हुई तो इट्स फाइन टू बी अ चोर। तो ये जाता है उसके घर जहाँ उसकी माँ बीमार तो है ही बट जूली भी है। So I guess चोर बनना is completely justified, इसलिए ये थोड़ी बख्शीश भी देके कट लेता है। So now शालू is horny. नहीं सच में not just impressed but straight up horny. तो फिर देर किस बात की, डालो ना मुझे हथकड़ी, हवालात में बंद करो और चाबी किसी गहरे कुएं में फेंक दो। तो गाना वाना गा के चोर पुलिस की लव स्टोरी शुरू। लेकिन लेकिन इतना इजी कैसे, अब सब इतना स्मूथ थोड़ी चलेगा। तो जेके खरीदता है शालू की बस्ती क्योंकि वहाँ उसे बनाना है होटल। लेकिन अब होटल बनेगा तो बस्ती का क्या करेंगे? नो वरीज, इसके पास सोल्यूशन भी है। गफूर बस्ती के रहने वालों, तुम्हें नोटिस दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बस्ती खाली कर दो, वरना ये बुलडोजर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बस्ती पर छोड़ दिए जाएंगे। अब बेटे क्या नोटिस दिया है भाई, बट सिंस बस्ती वालों को कानून की समझ है सो दे नो कि लीगल नोटिस ऐसे नहीं आता है, तो ये नहीं माने। और शालू के दोस्त को इंस्पेक्टर विजय ने बड़ी ही प्रैक्टिकल रीजनिंग देके हेल्प करने से मना भी कर दिया। शालू को तो यकीन था कि उसका बांका सी भैया उसके प्यार में अपनी जान कुर्बान कर देगा। माना कि प्यार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है जिंदगी। तो बस डेमोलिशन शुरू। किसी ने हथेली पे रख दिए तो चल पड़े हम गरीबों को बेघर करने के लिए। हाँ नहीं सही बात है बट सिंस ये लड़की इस बस्ती में रहने वाली कम, उल्टा बस्ती के सपोर्ट में 4 दिन के लिए आई कोई इन्फ्लुएंसर ज्यादा लग रही है, तो ये बात जवान तोतला तिवारी को पची नहीं। सो आज मेरी जान हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और हम तुम्हें दिखा देंगे कि ये जहान कितना खूबसूरत है। बट देन वही सही टाइम पे आएगा शहंशाह। बताओ अरे भाई, अगले बंदे को इतना तैयार होके आना पड़ता है फिर भी सही टाइम पे सारी एक्सेसरीज के साथ सही जगह पे पहुंचता है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। बट आई वंडर कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या करेगा। नहीं लाइक कभी जल्दी में हो और चप्पलों में पहुंच जाए, या फिर कभी टाइम पे रस्सी ना मिले, तो कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट में दबदबा खत्म हो जाएगा आदमी का। बड़े नहीं वे, तो शहंशाह पहले डायलॉग्स पेलता है फिर ऑफ कोर्स गुंडे। तो इसकी बातें सुन के तोतला तिवारी ने निकाली तलवार। ओ बेड़े, नहीं मतलब ये भी सही है, मेडिवल गुंडे, कोई धनुष बाण भी लाया तो अभी बता दो भाई, बाद में चीटिंग वीटिंग मत करना। साला कुत्ता मुंह बंद कर अपना। लेकिन तलवार कैप्टन शहंशाह की बुलेट प्रूफ शील्ड के सामने फुलझड़ी बन जाती है, तो उसको पेल पाल के अपने अंदर के संदीप महेश्वरी को चैनलाइज करके आम आदमियों को क्रिमिनल बना के जेके के घर में तोड़फोड़ करवा देता है। ओए होए होए होए, इट्स लाइक महात्मा गांधी इन अ पैरेलल यूनिवर्स। आई स्पिट योगा फायर। लेकिन जेके के पास अपने बंदे हैं ऑब्वियसली उसका काम करने के लिए, जैसे कि ये कमिश्नर जो कमिश्नर का काम कम और जेके के पीए का ज्यादा करता है। शहंशाह आप दोबारा हमला नहीं करेगा, मैं आज ही हुक्म जारी करता हूँ कि जिस तरह भी बन सके शहंशाह को गिरफ्तार किया जाए। आसान है, आसान है, आसान है। लेकिन शहंशाह के पास गिरफ्तार होने के अलावा भी बहुत जरूरी काम है, ठीक है, जैसे कि अपनी बंदी को मनाना। बट शी इज सो पेस्ड कि अब वो आयरनी से भरे डायलॉग्स मारेगी विदाउट इवन रियलाइजिंग हाउ फकिंग आयरोनिकल इट इज। तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए, हाथों में पहनने के लिए लाल रंग की चूड़ियाँ और सर पे ओढ़ने के लिए काले रंग का बुर्का। बदन शालू चोरी के अलावा शहंशाह की याद में पोएट्री भी करती है। वो है जिसे मैंने अपने दिल के तख्त पर बिठाया और उसके सर पर मोहब्बत का ताज रख दिया। वाह 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 वा, भाई साहब ये तो अच्छा है कि शहंशाह भी यही है, गलती से कोई और निकलता तो बूटी जली रह जाती इस आदमी की जिंदगी भर। अरे बट इवन वर्स यार, मतलब अगर कल कोई लड़की बोलेगी भाई थ्रीसम का मन है तब क्या करेगा। तो इस बार गाना गाने की बारी है विजय की, लेकिन गाते गाते रात होगी तो विजय बन गया शहंशाह और गेटअप चेंज करके आगे पूछा, वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? शैतान चौकी का पुलिस इंस्पेक्टर। तुम्हारा उसके साथ कोई ताना बाना है क्या? अजी काहे का ताना बाना, एक दो मुलाकातें हुई और वो समझ बैठा कि मेरा दिल एक पुलिस चौकी है और वो उसका थानेदार। डालो ना मुझे हथकड़ी,
हवालात में बंद करो। भाई साहब, इफ दिस इज नॉट अ रेड फ्लैग देन आई डोंट नो व्हाट इज। तो घर जाके विजय बताता है कि एवरी मॉनसून जैसे मुंबई के लॉ लगते हैं वैसे ही इसके भी लगते हैं, क्योंकि एवरी मॉनसून जब जब तेज बारिश होती है इसको पिताजी का सपना आता है, और जितनी बार ये सपना देखता है कादर खान को एक्चुअली लटकना पड़ता है पेड़ पे भाई, चाहे बारिश हो या धूप, डजंट मैटर भाई, कुछ तो रहम खा है। मीनवाइल शालू को पता चलता है जेके का असली सच कि कैसे वो 20 साल पहले जूली को भी जान से मारना चाहता था, जिसकी वजह से जूली ऐसा अंडरग्राउंड हुई कि शहर छोड़ के कुछ और काम करने की जगह यहाँ बस्ती में आके रहने लग गई, अपेरेंटली बिकॉज ऑफ विच ये लोग गरीब हो गए, मतलब ऐसा इसका कहना है, मेरा नहीं। तो अब ये भी उसको जान से मारना चाहती है, तो उसे सेड्यूस करके पहुंचती है उसके घर, और आधे एक घंटे तक मस्त आइटम नंबर करके एंटरटेन करने के बाद मारती है गोली। माना प्लानिंग भी कुछ चीज होती है, लेकिन इतने जानलेवा गुस्से में ऐसे एक्सप्रेशन के साथ नाच रही है, वो ज्यादा बड़ा टैलेंट है भाई। यहाँ मुझे नॉर्मल गुस्सा आए तो कभी बिना फैन चलाए गर्मी में बैठा रहूं, बेमतलब किसी को घूरता रहूं, अब बिना चप्पल के वॉशरूम चला जाऊं वगैरह वगैरह, बट होल्ड अप जेके तो घर में रोमांटिक मूड में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है ब्रो। सरप्राइज मदरफकर। तो अब शालू की बारी रामपुरी खाने की, बट जस्ट इन टाइम सिंस दिस गाय इज एवरीवेयर इस मूवी में, तो ये समझाता है कि कैसे ये शहंशाह की जोरू है और उसके जरिए तुम उसको पेलो यार, ये नो बॉल है तो वो फ्री हिट है, इसके लिए उसको आना ही पड़ेगा। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंस्पेक्टर विजय को मिला बैग भर के पैसा, लेकिन घर पे आया तो पकड़ा गया, एंड नाउ खान चाचा इज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड एंड नॉट हैप्पी विद दी अमाउंट। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी कम कीमत पर अपना धर्म बेच सकते हो। आपने जो करना था कर लिया भाईजान, आगे जो करना है मुझे करना है। काटेगी क्या? एग्जैक्टली exactly. तो मम्मी जी इसको मस्त कूट काट के घर से निकाल देती है। yes, पैसा। Meanwhile, Mohammad Saleem, who is a crime reporter and also damad of Khan Chacha and Mubola Jija of Vijay, लिखता है एक मस्त सनसनी खबर बकायदा फ्रंट पेज पे JK की चूतियाबंदी के बारे में। तो very smartly इतने सारे पंटर होने के बावजूद JK खुद जाता है उसके प्रिंटिंग प्रेस में, खुद मिलता है सलीम से, और खुद ही सारे एम्प्लॉयज के सामने खुद ही रामपुरी निकाल के खुद ही उसके पेट में घुसा के उसको लुटका देता है। अरे ये साले चूतिया है क्या? ये जो भी क्राइम करता है वो विजय से रिलेटेड क्यों होता है? सुसाइड करवाई उसके बाप की, बस्ती तोड़ी उसकी बंदी की, मर्डर किया उसके जीजा का। जेके यू स्टूपिड स्टूपिड ओल्ड मैन, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। खैर, तो इस हादसे से बेचारी विजय की बहन, गेस हु, सुप्रिया पाठक ब्रो, इज इन शॉक। तो डॉक्टर बोला इसको रुलाओ, ग्रीफ इज नेसेसरी, लेकिन वो नहीं रोई। तो विजय ने सुनाया अपना गाना अपनी सुरीली आवाज में। That should do it. So now Vijay is in Kejriwal slash Anna Hazare slash Singham mode और जाके सीधा अरेस्ट करेगा JK को, लेकिन उसको लॉकअप से ही छुड़ाने आएंगे मंत्री और कमिश्नर और मांगेंगे सबूत, यहीं पे अदालत की जरूरत नहीं, यहीं सबूत मांगेंगे। तो ये कमी पूरी करने के लिए आएगी जूली सबूत को हाथ में लेके। ये अखबार जिस पर मरने वाले का खून और खून करने वाले के हाथों के निशान मौजूद हैं। सीरियसली ना है? हाथों के निशान मौजूद है फिर भी दिल खोल के उस पे अपने फिंगरप्रिंट्स दे रही है यार, come on dude। मतलब माना back then there were not many people who genuinely cared about cinema or logic in the cinema, but come on dude, how do you not realize it? है? You know what? Fuck it. तो इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगले ही दिन हियरिंग भी है, तो मर्डर की काइंड ऑफ एन आई विटनेस जूली को पहुंचना है कोर्ट, जिसको विजय अकेले लेके जाएगा। तो ऑब्वियसली रास्ते में आएंगे जेके के वेटर पंटर, बट समहाउ बचते बचाते जस्ट टू मेक श्योर कि विटनेस कोर्ट में पहुंचे, इंस्पेक्टर विजय हैड द ब्राइटेस्ट आइडिया। कोई बात नहीं बिकॉज अब आप देखने जा रहे हैं इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे घातक, सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रायल। आपने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा या नहीं देखा? जी नहीं देखा। That's all your honor. That's not all your honor. क्या ये वही अखबार नहीं है जिससे JK अपने खून से भरे हाथ पहुँच रहा था? जी हाँ। That's all your honor. चूतिए ये दोनों साले हर केस से पहले रात रात भर पनवाड़ी की दुकान पे साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे सिंक करेंगे। चूतिए साले, और सबूत का दोनों ने कतई मजाक ही बना के रख दिया है। क्या ये वही अखबार नहीं है? जी हाँ। ओफ ओफ
फक्स, एक एक काम करो ना बे, पूरे कोर्ट में चक्कर ला के सबके अंगूठे छपा लो ना झोपड़ी वालों, हद होती है भाई। लेकिन नहीं, इतने में कहां चैन मिलना था इनको, तो जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट जेके के लॉयर ने उठाई बंदूक, एम किया सीधा जज की तरफ और बोला, आपको बयान देना होगा, इस भरी अदालत में बयान देना होगा कि ये खून आपने करवाया है, बोलिए बोलिए वरना। हाँ, मैंने करवाया। पागल है आदमी भाई, जो किसने बनाया इसको लॉयर, फिर क्या होना था भाई, जज ने गणपति में जेके को बाइज्जत बली कर दिया। सो ऑब्वियसली दिस कैन ऑब्वियसली नॉट बी द रियल क्लाइमैक्स। तो व्हाइल जेके इज लीविंग, विजय कॉस्ट्यूम चेंज करके, हेयर डाई करके, नकली दाढ़ी लगाने का टाइम निकाल के पूरे गेटअप में हो गया प्रकट। मतलब बंदे ने रात होने का भी वेट नहीं किया, सोचो कितनी गंभीर दिक्कत थी। तो आया और जेके के वेटर पंटरों को पेलते हुए जेके को वापस कोर्ट ले गया एंड ही डिमांड्स कि भाई चोद ट्रायल फिर से शुरू करो। एंड इतनी चूतियागिरी खुद करने के बाद जेके का लॉयर बोला, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये अदालत की बेइज्जती है। ओह रियली, आई फिजिकली कैन नॉट एक्सप्रेस दिस लेवल ऑफ आयरनी भाई, लिटरली। तो भाई अब तक जज ऐसी ऐसी चीजें देख चुका है जिनका जिक्र उसने अपनी लॉ की किताबों के मिसलेनियस सेक्शन में भी नहीं देखा होगा, तो वो क्या ही कर लेगा। तो ट्रायल शुरू, बट व्हाइल शहंशाह इज लिटरली सॉल्विंग टू केसेस एट अ टाइम, एक अपने बाप का 20 साल पुराना केस और एक अपने जीजा का नया नवेला, जेके ने निकाली बंदूक और शालू को पकड़ के ले गया छत पे। तो ऑब्वियसली छत पे पहुंचा शहंशाह जो उसको छेद के छत से गिरा देता है, फिर लटकते हुए जेके से उसके क्राइम्स का कन्फेशन करवाता है, फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है एंड फाइनली उसके गले में रस्सी डालता है सो दैट ही कैन क्लाइंब अप, यू नो। लेकिन जेके को चैन नहीं है, जेके करता है अटैक, शहंशाह देता है फटाक, तो जेके गिरता है सटैक, लेकिन रस्सी मोदी जी की फैन है तो आत्मनिर्भर बन के खुद बंध जाती है एंड बूम, जेके को भी फांसी लग गई, केस ओवर फाइनली। मैं सच बता रहा हूँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का वो हाल नहीं हुआ होगा जो शहंशाह ने इस कोर्ट का किया है। खैर जेके का तो ठीक था, बट वो बैंक मैनेजर जिसने जेके को फंडिंग दी उसका कुछ नहीं हुआ, एंड जूली जिसकी वजह से इसके बाप ने फांसी लगाई उसका दामाद बन के ये खुद बैठा है, और इंस्पेक्टर विजय जिसने कोर्ट में बता दिया कि वही शहंशाह है, एक आदमी को अदालत में जान से मारने की वजह से उसको सजा तो छोड़ो उसकी नौकरी तक नहीं गई, अब सस्पेंड तक नहीं हुआ भाई, और इसके बाप को घूस लेने के लिए जेल हो गई थी जमाने पहले। भाई साहब, बाप की आत्मा को ना सुकून कम और गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा कि साला व्हाट अ गुड टाइम टू बी अलाइव। बट एनीवेज, सो विद ऑल दिस, इंडिया के तमाम लॉयर्स को जीवन भर का गम, दर्द और डिप्रेशन देके एट द एपिटोमी ऑफ मेनस्ट्रीम बॉलीवुडनेस मूवी खत्म। आई मीन कम ऑन डूड, कम ऑन, आई एम नॉट इवन अ लॉ स्टूडेंट एंड मेरी आंखों तक से खून, गाल से पानी और दिमाग से सारा आईक्यू निकल के रह गया है ये क्लाइमैक्स देख के। किसी के बॉलीवुड में कॉन्टैक्ट होना तो कमेंट्स में मुझे बताना ये पता करके कि ये क्लाइमैक्स लिखते, शूट करते, एडिट करते और प्रीमियर करते वक्त ये लोग कौन से नशे में थे भाई। बट एनीवे, तो इसी के साथ पिक्चर खत्म, पैसा हजम और बन गया शहंशाह एक आइकॉनिक कैरेक्टर बॉलीवुड में। मजा आ गया एकदम, क्या ही बताओ। बट पिक्चर क्या, बट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना, एंड जब चैनल तक आ ही गए हो, इतनी मेहनत मेरी देख ही रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो ना, कर दो यार, प्यार से तो कह, प्यार से तो कह रहा, प्यार है मेरा पगले, पगलो, पगलेट्स, सब्सक्राइब कर दो यार, कम ऑन मैन। गला बैठ गया आज। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे भी मूतना और थूकना मना है, इट्स गैर कानूनी, ठीक है।